क्या आप जानना चाहते हैं कि WhatsApp को आसानी से PC से कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। WhatsApp को PC से तो पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता था। काफी सारे थर्ड पार्टी टूल्स भी थे, जैसे कि BlueStacks। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कुछ महीने पहले। अगर आप चाहें तो आप यहाँ स्क्रीन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ये सॉफ्टवेयर कभी चलते थे और कभी नहीं। चलते भी थे तो कंप्यूटर पर बहुत मेमोरी इस्तेमाल होती थी और उसकी वजह से कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाता था। अब उस लंबे और मुश्किल तरीके की कोई जरूरत नहीं है। हाल ही में WhatsApp एक नया फीचर लेके आया है, जिसकी मदद से आप PC या लैपटॉप पर WhatsApp का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी थर्ड पार्टी टूल की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको चाहिए एक कंप्यूटर जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, एक स्मार्टफोन जिसमें WhatsApp इंस्टॉल्ड है और एक क्रोम ब्राउजर। चलिए WhatsApp को PC से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउजर खोलकर ऊपर टाइप कीजिए web.whatsapp.com। ये देखिए, ये अब एक नया पेज खुल गया जो WhatsApp वेब का पेज है। यहाँ पर लिखा है स्कैन कोड विद योर फोन टू लॉगिन। आपको अपना स्मार्टफोन लेना है जिसमें पहले से WhatsApp इंस्टॉल्ड है और आपको उस फोन से ये जो QR कोड है इसे स्कैन करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये QR कोड आपको आपके PC में WhatsApp इस्तेमाल करने में मदद करेगा। पहले यहाँ कुछ समझ लेते हैं। ये देखिए, ये इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। अगर आप एंड्रॉयड में हैं तो आप यहाँ पर WhatsApp खोल के मेन्यू पर जाकर और WhatsApp वेब पर जा सकते हैं। इसी प्रकार से ये विंडोज फोन के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, ब्लैकबेरी 10, ब्लैकबेरी और नोकिया S60। यहाँ पर लगता है आईफोन नहीं है। खैर, मेरे पास एंड्रॉयड फोन है। मैं इस वीडियो के लिए सैमसंग गैलेक्सी S3 का इस्तेमाल करने वाली हूँ। एक और बात यहाँ बतानी जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर में लॉग्ड इन रहें तो ये एक डब्बा सा है जहाँ लिखा है कीप मी साइंड इन, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक कंप्यूटर से साइन इन कर रहे हैं, जैसे कि साइबर कैफे या कोई ऑफिस का कंप्यूटर, तो आप इस डब्बे को अनचेक्ड रख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे चेक्ड ही रहने देने वाली हूँ। चलिए अब हम फोन में WhatsApp पर चले जाते हैं। ये रही मेरी WhatsApp की एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके इसे खोल लिया। यहाँ नीचे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये पुराना WhatsApp का वर्जन है। यहाँ पर एक WhatsApp वेब आना चाहिए जो अभी तक नहीं आया है, इसलिए पहले मैं अपने WhatsApp को अपडेट कर लेती हूँ। चलिए बाहर गए और ये प्ले स्टोर में जाकर WhatsApp खोल लेती हूँ। ये रहा WhatsApp मैसेंजर और ये देखिए, ये है अपडेट का बटन। मैं इस ऐप को अपडेट कर देती हूँ। एक्सेप्ट के बटन पर क्लिक किया। अगर आपके पास WhatsApp की पुरानी वर्जन होगी तो आप WhatsApp वेब को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने कंप्यूटर पर। ये देखिए, अब ये इंस्टॉल हो रहा है। अब ये ऐप अपडेट हो गई। अब हम ओपन के बटन पर क्लिक करके इसे खोल लेते हैं। WhatsApp खोला, इधर क्लिक किया। अब देखिए, ये देखिए, यहाँ पर मैं इस फोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर WhatsApp वेब पर क्लिक करती हूँ और ये जो है मेरा QR कोड स्कैन हो रहा है। शायद कंप्यूटर के थोड़ी पास लेके जाना होगा। और ये देखिए, अपने आप कंप्यूटर पर जो मेरे मोबाइल पर WhatsApp है वो आ गया। जो मेरे मोबाइल पर दिख रहा है हूबहू वही मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर किसी को मैसेज भेज सकते हैं। चलिए कोई मैसेज यहाँ पर मोबाइल में टाइप कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है।
ये एक कॉन्टैक्ट हैं, इन्हें मैंने खोला और यहाँ पर मैं कुछ टाइप कर देती हूँ, हाय, और एक स्माइली डाल देती हूँ और सेंड के बटन पर क्लिक किया। ये देखिए मेरे कंप्यूटर पर हूबहू वही मैसेज आ गया है। फिर मैंने टाइप किया हाउ आर यू, सेंड के बटन पर क्लिक किया, ये देखिए नीचे जो है हाउ आर यू आ गया। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर पर WhatsApp का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटर पर इंटरनेट पर कनेक्टेड हैं। ये देखिए मुझे एक मैसेज आया है, ये मेरे फोन पर भी दिख रहा है और ये मेरे कंप्यूटर पर भी दिख रहा है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक किया, ये देखिए ये जो मैसेज है ये मेरे कंप्यूटर और मेरे मोबाइल दोनों में दिख रहा है। यहाँ जवाब देती हूँ कंप्यूटर पर, आई एम फाइन, आप कैसे हैं, और कंप्यूटर पर एंटर करके देखती हूँ ये मोबाइल पर दिखता है या नहीं। ये देखिए मैंने मैसेज कंप्यूटर पर टाइप किया और ये अपने आप मेरे मोबाइल में आ गया। अब एक चीज ट्राई करती हूँ। अब देखिए मेरा मोबाइल जो है वो वाईफाई से भी नहीं कनेक्टेड और वो उसमें मोबाइल डेटा भी डिसेबल्ड है, लेकिन मुझे यहाँ कंप्यूटर पर दिख रहा है कि मेरे कोई कॉन्टैक्ट मुझे मैसेज भेज रहे हैं। यहाँ देखिए मुझे ये नाम के नीचे दिख रहा है टाइपिंग, देखते हैं यहाँ मैसेज आता है या नहीं। नहीं, अब मुझे मैसेज आने जो हैं बंद हो गए हैं। वापस से वाईफाई ऑन किया, मोबाइल डेटा अभी भी ऑफ है। अब देखते हैं कि मैसेज आता है या नहीं। अब ये देखिए वाईफाई से कनेक्टेड होने पर मेरे मोबाइल और मेरे कंप्यूटर में दोनों में मैसेज आ गया। इसका मतलब आपको मोबाइल पर इंटरनेट पर कनेक्टेड होना होगा, तभी आप उसे कंप्यूटर पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये कि आपके मोबाइल में आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर पर भी WhatsApp का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फिर क्या फायदा हुआ? इसका मतलब हमें डेटा के पैसे तो लगने ही हैं? नहीं। एक चीज मैंने अभी अभी यहाँ पर ट्राई करी है और वो ये कि अगर आपको कोई बड़ी फाइल भेजता है, जैसे कि कोई तस्वीर हुई या ऑडियो या वीडियो, तो उसके बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं और डेटा में आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। इसलिए आप चाहें तो आप उन बड़ी फाइल्स को अपने कंप्यूटर पर देख सकते हैं, अपने फ़ोन पर उन मीडिया फाइल्स को खोलिए ही मत। वो कैसे करेंगे? ये देखिए ये WhatsApp में हमने सेटिंग्स पर क्लिक किया, ये देखिए सेटिंग्स पर गए और यहाँ पर है चैट सेटिंग्स। चैट सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है मीडिया ऑटो डाउनलोड में, यहाँ पर क्लिक किया। अब ये देखिए आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ विकल्प हैं। आप चाहें तो आप यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि आपको मीडिया कब डाउनलोड करना है। ये है मोबाइल डेटा के दौरान, ये है वाईफाई कनेक्शन के साथ और तीसरा है रोमिंग के साथ। तो चलिए सबसे पहले ऊपर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। जब हमारा खुद का मोबाइल डेटा होगा तो हम नहीं चाहते कि इमेज, ऑडियो या वीडियो का हमें खर्चा पड़े, इसलिए हम ये तीनों के तीनों डब्बे खाली छोड़ देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। फिर जब हम वाईफाई पे हों तो हम सिर्फ इमेज चाहते हैं कि आए, ऑडियो ना आए और वीडियो ना आए, और ओके पर क्लिक कर देते हैं। और जब हम रोमिंग पर हों तो भी हम चाहते हैं कि कोई तस्वीर, ऑडियो या वीडियो ना आए, इसलिए हम ये तीनों डब्बे भी खाली छोड़ देते हैं और ओके के बटन पर क्लिक कर देते हैं। चलिए अब वापस जाते हैं, वापस WhatsApp में गए और इस कॉन्टैक्ट को खोल लिया। अब हम विकास से कहते हैं कि हमें कोई तस्वीर भेजें। इस समय मैं वाईफाई कनेक्शन में
लॉग्ड इन हूँ, इसलिए तस्वीर आ जानी चाहिए लेकिन वीडियो नहीं आना चाहिए, जैसे कि हमने अभी अभी सेटिंग करी। देख लेते हैं, ये देखिए, ये अपने आप फोटो आ गई और ये मेरे मोबाइल और मेरे कंप्यूटर दोनों पर खुल गई है, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग्स ऐसे करी हैं। एक्चुअली पिक्चर में या तस्वीर में डेटा इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना कि ऑडियो या वीडियो में, इसलिए अगर बड़े पैसे बचाने हैं तो ऑडियो या वीडियो की फाइल को मोबाइल पर डाउनलोड नहीं करेंगे। अब विकास को कहते हैं कि हमें कोई वीडियो फाइल भेज दें। ये देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये लिखा है यहाँ पर 3 MB। पता नहीं ये क्लियरली दिख रहा है स्क्रीन पर या नहीं, लेकिन ये जो वीडियो की फाइल है ये मेरे मोबाइल में डाउनलोड नहीं हुई है। ये लगभग 13 सेकंड का वीडियो है और ये फाइल मैंने इसे डाउनलोड नहीं किया, लेकिन इसे मैं अपने कंप्यूटर पर चला पाऊंगी। ये देखिए, मैंने कंप्यूटर पर क्लिक किया और ये वीडियो फाइल जो है ये खुल गई और ये अपने आप चल पड़ी। आप यहाँ पर चाहें तो इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ऊपर है डाउनलोड का बटन, हम इस पर क्लिक करके इस वीडियो को डाउनलोड कर देते हैं। यहाँ पर क्लिक किया और इस फाइल को सेव कर दिया और ये फाइल जो है हमारे कंप्यूटर में अब डाउनलोड हो गई है। तो इस तरह से हमने दो चीज़ें बचाई, एक तो हमने अपने मोबाइल में जो डेटा का चार्ज था वो बचाया, हमें कम खर्चा होगा क्योंकि वीडियो डाउनलोड नहीं होगा। दूसरा, अगर हम इस वीडियो को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं तो हमारी कुछ मेमोरी भी मोबाइल में बच जाएगी और अगर हमें नहीं डाउनलोड करना तो हम इस फाइल को वैसे का वैसे रहने देंगे। इसलिए ये जो फीचर है ये बहुत ही काम का फीचर है। मेरे हिसाब से इंडिया में या और भी कई कंट्रीज़ में डेटा अभी भी बहुत महंगा है, इसलिए अगर आपको बड़ी फाइल्स कोई भेजता है तो अपने मोबाइल पर उन्हें डाउनलोड मत कीजिए, अपने कंप्यूटर पर उन्हें डाउनलोड करके आराम से देख लीजिए और डेटा के पैसे आपको कम लगेंगे। अब अच्छी बात ये है कि आप आराम से इस वेब क्लाइंट द्वारा एक ब्राउज़र में जाके बस फटाफट से अपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहीं पर जाकर अपना प्रोफाइल स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने व्हाट्सएप में से यहाँ पर लॉग आउट भी कर सकते हैं। ये देखिए, लॉग आउट के बटन पर क्लिक किया तो हम वापस से व्हाट्सएप वेब के पेज पर आ गए। अब आपने सीख लिया है कि व्हाट्सएप को आसानी से पीसी से कैसे यूज़ करते हैं। वीडियो पसंद आया तो यूट्यूब में लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।